दोस्तों आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्ती टिप। हम जो है ना हज़ारों पैसे खर्चते हैं और हमारे जो है ना फिर भी गैर जो है ना अनवांटेड जो है हमारे हेयर्स होते हैं, जो गैर ज़रूरी बाल होते हैं, हम उनसे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही खूबसूरत टिप। आपने ले लेनी है वेसलिन। जी हाँ बिल्कुल, वेसलिन ऐसी चीज़ है कि हमारे हेयर्स और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। तो आपने जो है ना वेसलिन लेना, फिर वेसलिन लेकर उसमें जो है ना हल्दी डाल देनी है। तो आपने हल्दी 2 चम्मच भर के डाल देनी है। इस तरीके से आपने इसको मिक्स कर देना और उसमें बाद में फिर आपने जो है ना कच्चा दूध डालना है। जी हाँ दोस्तों, कच्चा दूध इसमें डाल के अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके फिर हम ये अप्लाई करेंगे। और अभी अभी आपके सामने इसका रिजल्ट भी मैं आपको शो करूँगी। तो आप देखिए दूध इतना डालिए, अच्छा सा पेस्ट बन जाए। इस तरीके से आप इतना दूध जो है ना इसमें शामिल कीजिएगा और अच्छा सा पेस्ट इसको मिक्स करके बना लें। चमचे की मदद से भी बन जाएगा ये। दोस्तों देख सकते हैं आप, इस तरीके से अच्छे तरीके से मिला लें और ये जो है ना बहुत ही अच्छा आपको बेनिफिट देने वाला है। आप अपने हज़ारों रुपयों की बचत कर सकते हो। इस तरीके से आप अपने जो है अनवांटेड हेयर, जो भी आपको जहाँ भी नहीं पसंद, आप इस तरीके से आप इजीली रिमूव कर सकते हो। दोस्तों देखिए, आप इस तरीके से पेस्ट बना लें अच्छे। अगर आपने ये वाला पेस्ट यूज़ किया तो आपकी हज़ारों की बचत हो जाएगी और आपको ये वाली टिप बहुत ही पसंद आएगी। अगर आपको मेरी टिप ये पसंद आए तो आप मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। हम यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हेयर्स जो है ना आए हुए हैं। मैं यहाँ पर अप्लाई कर आपको दिखाऊँगी और उसके बाद जो है ना मैं इसको रिमूव करके भी दिखाऊँगी। तो आपने इसको जो है ना 10 मिनट तक छोड़ना है, जब तक ये बिल्कुल जो है ना ड्राई हो जाए। उसके बाद जो है ना आपने इसको रिमूव करना है। बहुत ही अच्छी रेमेडी है और आपकी जो है ना हज़ारों रुपयों की बचत होने वाली है दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप ये कैसी लगी और इसका रिज़ल्ट कैसा लगा। इसका रिज़ल्ट भी जो है ना मैं आपको अभी दिखाऊंगी, क्योंकि अभी मैंने ये लगाया है तो ये ड्राई हो जाए, उसके बाद मैं इसका रिज़ल्ट भी आपको दिखाती हूँ। दोस्तों आपको अगर मेरी टिप अच्छी लगे ना तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये ड्राई हो गया है। हमने टिश्यू ले लिया है, टिश्यू की मदद से इसको जो है ना इस तरीके से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद जैसे हम उपटम जो है ना अप्लाई करते हैं ना, उस तरीके से इसको रब करना है। जैसे ही आप रब करेंगे ना, इसकी जो भी यहाँ पर आपके अनवांटेड हेयर्स होंगे ना, वो निकल आएंगे। अभी मैं जो है ना वॉश कर आपको दिखाती हूँ, वो डिफरेंस आप खुद ही देख लेना कि किस तरीके से जो है ना इसका जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट आने वाला है और आप बहुत ही फायदे में जाने वाले हो। आप अपने हज़ारों रुपयों की बचत कर सकते हो। दोस्तों देखिए यहाँ पर हम आपको अभी अभी मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ। ये आपको दूर से नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर जो है ना वॉश कर फिर आपको अच्छे क्लियर तरीके से दिखाती हूँ। तो पार्लर में हम जाते हैं, वहाँ पर भी हमारे हज़ारों रुपये खर्च आते हैं, तो उससे बेहतर नहीं है कि हम घर में ही जो है ना रिमूव करें। देखिए दोस्तों, पहले यहाँ पर हेयर्स थे और अभी देखिए कितने रिमूव हो चुके हैं। तो इसको उपटन की तरह अप्लाई करना है। दोस्तों मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, मेरी वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का भी बहुत ख्याल रखिएगा। दोस्तों बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।